माय इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो आज हम जो भी यूपीएससी में यहाँ पे पुष्पोत्पादन से जो भी संबंधित प्रॉब्लम आते हैं तो उसको आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अब तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो माय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और यहाँ पे आपको जो भी यूपीएससी हो पीसीएस हो तो यहाँ पे जो भी कृषि से संबंधित प्रॉब्लम आते हैं तो सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं होगा, बस नीचे घंटी होगा, घंटी को दबा के यहाँ पे माय इंडिया चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो आज हम पुष्पोत्पादन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा, आप चाहे उस वीडियो में रहे हों या ना रहे हों वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है कि सारे कोर्स को चाहे जिस भी तरीके से, चाहे रो के, चाहे गा के, चाहे जो भी करके ख़त्म करना। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती और बागों को अलंकृत करने वाले वृक्ष पौधों का अध्ययन किया जाता है पुष्पोत्पादन कहलाता है। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पुष्पोत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्य अधोलिखित है, यथा हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स LA ग्लांस। तो 2017 के अनुसार और 2016-17 में देश में करीब 9.43 लाख हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की गई। 16.53 लाख टन खुले फूल, 5.93 लाख टन कतरे हुए फूल का उत्पादन हुआ। भारत में तलाशे या कतरे हुए फूल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो निर्यात की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2016-17 में कुल 6.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पदार्थों की खेती की गई, जिसमें 10.30 लाख टन उत्पादन हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और देखिए यूपीएससी का मज़ा क्या होता है। तो थोड़ा सा तपना पड़ेगा क्योंकि बिना तपे यार आप कलेक्टर ही का नौकरी ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो को और आगे लगे। तो तीर्थ तीन खुले फूल उत्पादक राज्य, तो प्रथम तमिलनाडु, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय मध्य प्रदेश। तो ये सब डाटा है। उसके तीर्थ तीन कतरे फूल उत्पादन राज्य, तो प्रथम पश्चिम बंगाल, द्वितीय उत्तर प्रदेश, तृतीय छत्तीसगढ़। तो देश में कृषि जलवायु की बहु विविधता के कारण संपूर्ण वर्ष भर विभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन होता रहता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प गेंदा है। उसके बाद AHSG 2017 के अनुसार वह 2016-17 में पुष्पोत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन राज्य क्रमशः जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, जबकि संपूर्ण पुष्प उत्पादन की दृष्टि से देश में तमिलनाडु जो कि 4.16 लाख टन का प्रथम, कर्नाटक 2.8 लाख टन का द्वितीय तथा पश्चिम बंगाल 2.7 लाख टन का तृतीय स्थान है। उसके बाद भारत में स्थापित आदर्श नौ पुष्पोत्पादन केंद्र है, यथा मोहाली, पंजाब, कोलकाता, लखनऊ, बंगलौर, पुणे, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, गंगटोक तथा चेन्नई। तो माय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप इस चैनल पे जो भी आपके प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार के 8 केंद्र निजी क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे। उसके ध्यान दें, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश में वनस्पति तथा प्राणी जातियों की समृद्धि और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने हरे भरे वनों, विविधतापूर्ण वन्य जीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए
प्रसिद्ध है। इसे प्रकृति या गुप्त खजाना और आर्किड की विविध किस्मों का घर की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके बाद इस राज्य में जलवायु में सुलभता के कारण न्यूनतम लागत में आर्किड की विविधता किस्मों की खेती की जा सकती है, जिससे यह राज्य इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विचलित कर सकता है। तो शीर्ष 5 कट फ्लावर निर्यातक राष्ट्र, तो यहाँ पे रैंक उसके बाद राष्ट्र दिया हुआ, तो प्रथम नीदरलैंड, द्वितीय कोलंबिया, तृतीय इक्वेडोर, चतुर्थ कीनिया, पंचम बेल्जियम। तो जम्मू कश्मीर 21.77, कर्नाटक 32.92, उसके तमिलनाडु 32.29, केरल 26.56, पश्चिम बंगाल 26.04। उसके बाद स्रोत, तो संसार में नीदरलैंड हाईलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका फूलों के व्यापार में लगभग 57% का योगदान। यूएसए तथा स्वीडन दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। ज्ञातव्य है भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। तो क्या आप जानते हैं पादप हार्मोन? फल वृक्षों को विभिन्न गतिविधियों में जैसे वृद्धि, फूल आना, फलन, जड़ हिलना, उसके बाद फल आकार वृद्धि, तने को पकाना, उसके बाद असमय फल का गिरना आदि गतिविधियों के संपन्न होने पर पादप हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें प्रमुख है तो कौन कौन से? ऑक्सीजन, उसके बाद साइटोकाइनेंस, उसके बाद जिब्रेलिन, उसके बाद इथाइलिन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों था ऊपरी सिरों की कलियों को बनाता है और बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यह तने में वृद्धि कलम कमल के जड़ों का प्रेरणा फलों के विकास पार्श्व कलिकाओं वृद्धि रोकता है। शीर्ष प्रभाविता विकलगता पगल के पर्द के निर्माण को रोकने, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुसुप्ता अवस्था में बनाए रखना आदि महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य आनुवंशिक रूप से छोटे पौधों का बड़ा कर देना है, जो कि IAS परीक्षा में पूछा हुआ। उसके अन्य प्रमुख कार्यों में बीज एवं कंद की सुसुप्ता तोड़ना, बीज रहित फल का निर्माण, अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन्स कहते हैं, यह एक उड़नशील गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। इसके बाद एसिटिलिन तथा प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। इसके बाद इथाइलिन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पत्तियों, फलों और तनों के बीच विलगत परत का निर्माण कर असमय पत्तियों या फलों को गिरा देना है। उसके फलों में एकांतरण फलन की समस्या आम तथा सेब में पाई जाती। संसार में सर्वाधिक पुष्प आयात 2 राष्ट्र क्रमशः जर्मन और USA। उसके बाद संसार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूलों की खपत क्रमशः स्विट्जरलैंड एवं नॉर्वे का है। तो साइटोकाइनेंस कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद पाइरेंथ्रम नामक पदार्थ, जो कि मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बोनसाई या ठिगने पौधों की खेत की एक जापानी कला है, जिसमें पेड़ों को गमलों तथा मोलक लैंड सेल्स को उगाकर ठिगना बनाया जाता है तथा
पुराने पौधों के आकार को ध्यान में रखकर ट्रेन किया जाता है, जो कि आईएएस परीक्षा 94 पूछा। वास्तव में इस कला का उत्पत्ति केंद्र चीन को माना जाता है। भारत में मुगल बादशाह द्वारा गुलाब, बाबर, उसको नरगिस, डैफोडिल्स तथा कारेन सन ईरान तथा सेंट्रल एशिया से लाए गए थे। फूलों का राजा गुलाब को प्रदान किया गया। इसके बाद कट फ्लावर काउंटीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वाटर ट्राइड। संसार में पुष्प उत्पादन की क्षेत्रफल को दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली ई पुष्प की खेती की जाती है। 26 जनवरी को गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद वित्त बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 0.4% की है। उसके बाद प्रथम नीदरलैंड, द्वितीय कोलंबिया, तृतीय इक्वेडोर, चतुर्थ इथियोपिया। संसार में सर्वाधिक पुष्प आयात 2 राष्ट्रों क्रमशः जर्मन और USA है। संसार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूलों की खपत स्विट्जरलैंड में है। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको कर देंगे। तो उसके बाद फल परीक्षण के सिद्धांत। तो फल परीक्षण विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस में के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर उन्हें व्यवहारिक रूप से अपनाया गया। इन सिद्धांतों को अपनाने में जो उद्देश्य फल परीक्षण विज्ञान के हैं वे निम्नलिखित हैं। यथा तो सूक्ष्म जीवों को तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को रोक देना। उसके सूक्ष्म जीवों को फल एवं सब्जियों से अलग करना। उसके रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम को नष्ट करना। उसके बाद स्वयं रासायनिक क्रियाओं को रोक देना। उसके बाद विनाशशील घटकों का प्रभाव कम कर देना। उसके बाद फल परीक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधोलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यथा तो अरोगाड़ुता, तो सूक्ष्म जीवों की अधिकतम संख्या में फलों एवं सब्जियों में उपस्थित रहने से उसमें शीघ्र ही खराब होने की संभावना रहती है। अतः हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि परिरक्षित किए जाने वाले फल एवं सब्जी में सूक्ष्म जीव कम से कम आ पाए। यहाँ पे ऊपर दिया ध्यान दे, तो उसको भी आप सब ध्यान दीजिए। तो क्योंकि होता है ना बिना ध्यान दिए तो वोट आ गया, तो भैया आप सब भी मतलब ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, तो खाद्य प्रसंस्करण के निर्यात उत्पादक एवं उपभोक्ता में भारत का विश्व में 5वां स्थान। यह क्षेत्र विगत 5 वर्षों में 8% से अधिक और औसत दर में बढ़ रहा है। बेहतर आउटरीच और स्थानीय जरूरतों के माफिक अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए 2012-13 ने राज्य सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने देश में अतिरिक्त खाद्य भंडार क्षमता सृजित करने की उपमा किए हैं। आधुनिक साइलों के रूप में 2 मिलियन टन भंडार क्षमता के सीजन को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत 15 मिलियन टन क्षमता सृजित की जा रही है, या 5 मिलियन टन और आगे जोड़ी जाएगी। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और माय इंडिया चैनल को पे जो भी प्रॉब्लम हो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व करने को मिल जाएगा। उसके बाद
उपाय। इसके आने के प्रमुख स्रोत भूमि, जल, वायु और फल परीक्षण उपयोग होने वाले यंत्र और उपकरण। फल परीक्षण की प्रत्येक विधि में ध्यान में रखना आवश्यक है कि सूक्ष्म जीवों से दूषित न हो पाए फल एवं सब्जियों की तुड़ाई। तो तुड़ाई, तो तुड़ाई लिखा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसके बाद जल द्वारा साफ करना, काटना, उसके बाद छीलना आदि आवश्यक क्रियाओं में इस सिद्धांत को सतर्कता से अपनाना आवश्यक है। उसके ताप का, उच्च ताप का उपयोग, तो जो हाई टेम्परेचर है तो उसका जो भी उपयोग है तो उसको भी यहाँ पे हम जानेंगे। जो यूज आप हाई टेम्परेचर, तो प्रत्येक एक जीव के जीवन मृत्यु का निर्णायक तत्व है। उचित ताप क्रम पर प्रत्येक जीव वृद्धि करते हैं तथा जीवित रहते हैं। उचित ताप क्रम प्रत्येक जीवों के लिए अलग अलग है। उसके बाद और आगे आएंगे तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे पूरा जो भी सब दिया हुआ, कुछ करना नहीं, बस नीचे घंटी होगा, घंटी को दबा के आप सब उस पर यहाँ पे आप अपना ही चैनल समझिए और यहाँ पे जुड़ जाइए, और उस चैनल से जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वो आप सोच भी नहीं सकते। तो क्योंकि इस समय जो भी कोचिंग है तो इस कोचिंग उस कोचिंग जो भटक रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है, ये सब कैसे कैसे, कौन सा आइडिया, तो एक जनरल सा आइडिया आपके दिमाग में जनरेट होगा। रही बात तो होता है ना कि किसी भी कोचिंग का मात्र 10% योगदान रहता है आपकी सफलता में, और शेष तो अपन आप खुद का जो करेंगे वही रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे एक जनरल सा आइडिया डेवलप होगा और उसको आप सब देखिए और करते रहिए। उसके बाद यदि तापक्रम सीमा से अधिक हो जाता है तो उसका जीवन संभव नहीं है। यदि सिद्धांत फल परीक्षण को सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइमों को नष्ट करने के लिए किया जाए तो कैनिंग एवं बॉटलिंग ने सिद्धांत का प्रमुख रूप से उपयोग होता है। इसलिए कैनिंग और बॉटलिंग को ताप द्वारा परीक्षण भी किया जाता है। बाउचिंग, पाश्चुरीकरण, निर्जीवीकरण एवं संसाधन आदि विधियों का इस सिद्धांत का विकास किया गया। इसके ब्लीचिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि कैनिंग, निर्जलीकरण, हिमीकरण और किरण आदि फल परीक्षण की विधियों में अपनाई जाती है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य एंजाइम को नष्ट करना है, क्योंकि इस क्रिया में उच्च तापमान का ही उपयोग होता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उच्च ताप का सिद्धांत फल परीक्षण की आधारशिला है। उसके बाद निम्न ताप का उपयोग, तो ताप क्रम पर सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइमों की वृद्धि एवं गति विधियां स्थिर हो जाती है या रुक जाती है। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन भी रुक जाते हैं। न्यून तापमान 3.9 डिग्री सेल्टीग्रेड से 7.2 डिग्री सेल्टीग्रेड पर रखा गया कोई भी पदार्थ, यहाँ पे दिया हुआ है, खराब नहीं हो पाता। फलस्वरूप हमें यह सिद्धांत का उपयोग शीत संग्रह और हिमीकरण आदि में प्रमुख रूप से अपनाया जाता है। वर्तमान समय में विशेषकर उन्नतशील देशों में हिमीकरण की विधि प्रमुखता से अपनाई जाती है। शीत संग्रह का उपयोग परिरक्षित खाद्य एवं ताजे फल एवं सब्जियों के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो आप इस वीडियो अगर देख लेंगे तो यूपीएससी में जो भी प्रॉब्लम आते हैं सारे प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे। तो कृषि से रिलेटेड इसीलिए कर रहे हैं वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो आप देखिए। उसके बाद नमी का निष्कासन, तो सूक्ष्म जीवों एंजाइमों तथा रासायनिक अभिक्रिया ओ की क्रियाशीलता उचित नमी के अभाव में रुक जाती है। फल एवं सब्जियों को सुखाने को निर्जलीकरण करने की विधि में इसी सिद्धांत का उपयोग होता है। सूक्ष्म जीवों एवं नमी में विशेष संबंध है जिसको वाटर एक्टिविटी कहा जाता है। तो आइए और वीडियो को आगे ले चले। अगर हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी यूपीएससी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चाहे जो हो सब यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कि उचित नमी के अभाव में सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर सकते तथा रासायनिक अभिक्रिया भी कम हो जाती है, तथा तो फल तथा सब्जियों में 80 से 90% जल होता है, इसलिए वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अतः फल परीक्षण के इस सिद्धांत के अनुसार उसकी नमी को कम करके तथा उसमें ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर उनको परीक्षित किया जाता है। वसा यहाँ पे दिया है, परीक्षित किया जाता है फलों के रस में गाढ़ा इस परीक्षित रखना तथा मुरब्बा तैयार कर नमी कम कर देना आदि विधियाँ इस सिद्धांत पर आधारित है। वाष्प भी निष्कासन, तो वाष्प तो रिमूवल ऑफ वाटर एयर, तो सॉरी तो वाटर तो पानी होता है ना, तो जब पानी का निष्कासन देता तब तो वायु का निष्कासन दिया, तो वायु जीवी सूक्ष्म जीवी वायु के अभाव में जीवित नहीं रह पाते, एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है तथा कुछ रासायन अभिक्रिया रुक जाती है। इसके वायु जीवी की क्रियाशीलता पर वायु निष्कासन का प्रभाव कोई प्रभाव नहीं होता। कैनिंग तथा निर्जलीकरण के इस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो वायु के अभाव में कैंड पदार्थों का टीन के डब्बों में क्षरण नहीं होता। सूखे पदार्थ भी यदि वायु रहित पैकेटों में बंद कर दिए जाए तो वे भूरे तथा गहरे रंग के नहीं हो पाते। अचार में तो तेल डालकर वायु निष्कासन किया जाता है, इससे वह खराब नहीं होता। निर्यात पैकिंग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए और वीडियो को आगे ले चले। तो अब तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और माई इंडिया चैनल जो भी यहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे जो हो, बिहार पीसीएस हो, चाहे जिस भी स्टेट का पीसीएस हो, यार सबका नाम अब लेना जरूरी थोड़ी ना है, तो सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। जैसे मृदा प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग, तो यहाँ पे मीड ए टी स्पेटिक, तो पदार्थ जैसे नमक सिरका शक्कर तथा एवं रासायनिक परीक्षक जब खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो वे सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को निष्क्रिय कर देते हैं या उसके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। अचार मुरब्बा जेली जैम मार्मलेड आदि सिद्धांत पर आधारित किए जाते हैं। अचार नमक द्वारा ही परिरक्षित होता है। पेय पदार्थों को रासायनिक पदार्थों जैसे पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट एवं सोडियम बेंजोएट द्वारा परिचित किया जाता है। इसके बाद कीड़वन की बात करेंगे, तो कीड़वन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शर्करा पदार्थों का एंजाइम युक्त जीवों द्वारा अपघटन तथा एसिड का निर्माण होता है, जो अवांछनीय सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइम की गतिविधियों को रोक देते हैं, जिससे वे परिरक्षित पदार्थों को खराब करने में समर्थ नहीं हो पाते। उसके बाद प्रमुख तौर पर 3 प्रकार के कीड़ों का उपयोग फलों एवं सब्जियों
को परीक्षित करने में किया जाता है। तो कौन से, एल्कोहली किण्वन, तो यह किण्वन में हेक्सोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है तथा एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जैसे C6H12O6, तो ये हेक्सोज शर्करा हो गया, उसके बाद 2C5H5OH+2CO2, तो ये यहाँ पे ओवरऑल इसका प्रोडक्ट बन गया। तो यार माई इंडिया चैनल को भैया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, तो होता है ना, तो भैया हम चाहे कहे चाहे जो कहे, तो यहाँ पे सारे एक हम सब आप इक्वल हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट लेना हो तो यहाँ पे जल्द से जल्द माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्द से जल्द हम आपको UPSC का गेस्ट पेपर दे देंगे। तो इसीलिए कर रहे हैं, जिस दिन हमारे 1KB सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम आपको सब अनसाल पेपर डाल देंगे। तो आइए वीडियो को और आगे ले चले। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो कुंडली हरियाणा में। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्नलिखित में से कौन से गैस उत्सर्जित करता है, तो एसीटिलीन गैस उत्सर्जित करता है। फलों में अधिकतर और की शर्करा पाई जाती है, तो फ्रुक्टोज। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं, तो निकोलस ए पर्टस्कित। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में है, तो कर्नाटक मैसूर में है। उसके बाद भारत में कुल फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है, तो क्रमशः 4% तथा 2%। इसके भारतीय खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं, तो सोनीपत हरियाणा। उसके बाद अंबरनाथ उसके जो कि महाराष्ट्र में, उसके बाद बड़ोदरा गुजरात में है। तो और आगे हम ले चल रहे हैं वीडियो को, और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको UPSC हो, UPPCS हो, BR PCS हो, छत्तीसगढ़ PCS हो, राजस्थान PCS हो, उत्तराखंड PCS हो, हिमाचल प्रदेश PCS हो, उसके बाद जम्मू कश्मीर PCS हो, तो जो भी PCS हो सब हो जाएगा। दिल्ली जो है तो दिल्ली का भी हो जाएगा, तो महाराष्ट्र PCS हो चाहे जो हो तो सब हो जाएगा। तो सीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा 2 से 3%। उसके बाद अम्लीय खाद्य पदार्थों में जीवाणु की तापक्रम पर निष्क्रिय होते, तो 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ब्लीचिंग क्रिया की जाती है, तो सब्जियों में। उसके बाद फलों में पैंटीन की मात्रा ज्ञात की जाती है, तो जेली मीटर से। उसके बाद मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। उसके बाद टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाली संरचित रसायन है, तो सोडियम बेंजोएट। उसके बाद फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 1993। उसके बाद कार्डियल बनाने के लिए कुछ ठोस पदार्थों एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 30% एवं 350 PPM। उसके बाद खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो जुलाई 1988 में। उसके बाद नमक में कितनी मात्रा सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त है, तो 15 से 25%। उसके बाद जेली में अम्ल चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो क्रमशः 0.5 से 1% या 65% या 30 से 38%। इसके बाद पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं, तो हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। इसके बाद अचार में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तो 15 से 16%।
तो आइए वीडियो को और आगे ले चले, और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपको UPSC हो, UPPCS हो, BPCS हो, छत्तीसगढ़ PCS, राजस्थान PCS हो, पटवारी, अरे यार पटवारियों हो जाएगा, पटवारिया का ही नहीं होगा तो पटवारी परीक्षा भी हो तो सब हो जाएगा। और चाहे जो भी स्टेट, केरल वाले अगर चाहें तो उनका भी हो जाएगा, कहने योग्य। बस चैनल को यार पहले एक के भी आप सब पहुँचाइए, बहुत हो गया, तो पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, और ताकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं सब पहले ख़त्म हो जाए तो और आगे हम वीडियो के लिए चल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इसमें भी जानिए, सूक्ष्म जीवों में ताप प्रतिरोधकता, जल वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट, pH मान, प्रोटीन, सूक्ष्म जीवों की संख्या, उम्र, ताप का तापक्रम, समय, जाति, निरोधी, उसके बाद यौगिक तथा निर्जलीकरण में प्रयुक्त पात्र आदि सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता की को प्रभावित करते हैं। तथापि सूक्ष्म जीवों के कुछ विशिष्ट प्रजातियां एवं अवस्थाएं ऐसी हैं जो अत्यंत ताप प्रतिरोधी होती है, जैसे बैसिलस क्वागुनेंस, क्लोइस्टीमियम पाश्चोरियम, उसके बाद या क्लोबियोटिक्रम, और जीवाणुओं के इंडोस्पो अवस्था। उसके प्रसंग यह है कि इस विशेष प्रजातियों में सूक्ष्म जीवों और अवस्था में अत्यधिक ताप के प्रतिरोध करने की शक्ति क्यों होती है, इस तीन कारण हैं। तो कौन कौन से? ताप स्थिर एंजाइम, राइबोसोम, फैजीला, उसके बाद अत्यधिक तापरोधी एंजाइम और प्रोटीन जैसे। तो कौन कौन से हैं? फ्लैजीला, प्रोटीन, स्टरेस और थर्मोलाइसिस। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों के ताप प्रतिरोध इसमें के द्वारा पैदा किए गए हैं इंडोस्पोर के कारण होती है, और इन इंडोस्पोर में राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि ताप प्रतिरोध का उत्तरदायी है। इसके जीवाणुओं में फ्लैलीजा रेशे के आकार की एक विशिष्ट बनावट है जो कि तापरागी जीवाणुओं के साथ जुड़ी रहती है। तो माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और यहाँ पे जो भी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली से हो, पैसे से हो, तो यहाँ पे आपको फ्री में सारी क्लासेस स्टार्ट किए गए हैं। इसी चाहे आप जिस भी फैमिली से हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम या गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब परेशान रहते हैं, तो हम भी आप ही सबकी तरह बहुत क्या मध्यम गरीब कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कीड़ोन में अल्कोहल प्रमुख परीक्षण तत्व, जो वायु के अभाव एवं परीक्षण का कार्य कर है, सिरके तथा मदिरा तैयार करने में इस प्रकार के कीड़वन का उपयोग किया कीड़वन। इस कीड़वन में अल्कोहल का विघटन एसिटिक एसिड जीवाणु द्वारा होता है, या तथा एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इसका C2H5OH+O2 CH3CO2H+H2 एल्कोहल एस्टिक एसिड। तो इस किड़वन में एस्टिक एसिड प्रमुख परीक्षक तत्व है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ भी हो सकता है, तो इसको परिचित रखा। इस किड़वन का प्रमुख उपयोग सिर को तैयार करने में किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभमय हो, और हमारे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।